क्या तुझे? चल्लू भाई ने दिया है, मस्त है ना? ये होमवर्क किया तूने? हाँ किया है ना दीदी ने। अरे ये गुंडों की मंडली क्या कर रही है? ये बत्ती कौन जलाया रे? अरे छुट्टियां खत्म हो गई, चल निकल। अरे आज मंडे है, स्कूल बंद। क्यों रे, तेरी शादी है क्या? अरे शादी नहीं, मुजरा होगा यहाँ पे, चल भाग यहाँ से। साहब यहाँ क्या बे? ये गवर्नमेंट स्कूल है या तुम्हारे दारू पीने का अड्डा है? और तूने एक बच्चे पर बोतल फेंक के मारी, अगर FIR फाइल होगी ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अरे पुलिसिए, हम लोग होम मिनिस्टर के आदमी हो। होम मिनिस्टर कौन? तेरा बाप। तो तुम सब पुलिस वाले कौन हुए? हमारे नौकर। तो तुम ससुरे की कैसी हिम्मत हुई हमें यहाँ से निकालने की? चल सहारा, चल। ए गंगुआ, ये पुलिस वाले का हाथ ज्यादा ही लंबा हो गया रे। अरे ये पुलिस को नहीं छोड़ा तो मेरे जैसा प्रिंसिपल का क्या असर करेगा? बहुत चढ़िया है। मैं? अरे चढ़िया, हम तुम्हारा बात नहीं करता है, हमारा दिल बोलता है कि हम गुंडा सुधार केंद्र खोले। अबे ये तुम्हारा बस का नहीं है, बॉस को इन्फॉर्म करो, जाओ। हाँ, 10 मिनट में स्कूल खाली कर देगा। हेलो, 10-15 गुंडे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। हमारे ACP के सर पर बोतल मार के उन्हें जख्मी कर दिया है। ये गुंडे हमारी नहीं सुन रहे। सर, सर कोई जवाब नहीं आ रहा। अरे गॉड को प्रे करेगा तो वो जरूर आता है। He will surely come. You wait. अरे गंगुआ, अरे देख 3-स्टार वाला ऑफिसर आया है रे। उसका तो सिर्फ सर ही फोड़ा था, लगता है तेरा पूरा डिपार्टमेंट तोड़ना पड़ेगा। ये कुत्ता अंदर कैसे आया? पुलिस वाला खुद को मास्टर समझ रहा है, भाग निकलो इसे। साले ने ड्रेस पहना DCP का और हरकत है ट्रैफिक हवलदार की। बट गए साले की, पब्लिक के सामने नहीं पिटना चाहता होगा, दरवाजा बंद कर रहे। चलो सबसे पहले इस पे हाथ कौन धोएगा? दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा। ये ज्ञान देगा, जा ले ले। मुझे डंडे से मारो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? भूल गया सर। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया? पता है जेम्स बॉन्ड ने। सही जवाब दिया ना अपन। अच्छा हुआ गब्बर सिंह नहीं बोला। सही बोला ना। अभी मार कर। सही बोलता है। तेरा बाप था क्या जेम्स बॉन्ड? इधर इंडिया में रॉकेट कहां पर बनते हैं? रॉकेट शिवकाशी में। पुलिस वाला और इतना नहीं पता? भास्कर ला दे। अरे इधर आओ बेटा, मास्टर जी तुझे बुला रहे हैं। आना, तेरी दाढ़ी बहुत बढ़ गई। आ गए, चलिए मैं पानी लेके आ। से मैं KG में 6 बार फेल हुआ, आसान सवाल पूछना है? KG का सवाल चलेगा? ठीक है, एक पोएम बोलता हूँ। पहले मैं बोलूंगा फिर तू रिपीट करना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हाँ वो भी ठीक है। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ट्विंकल खन्ना सुपरस्टार, डॉटर राजेश खन्ना, हाउ आर यू मदर इंडिया। याद नहीं आ रहा, मार लो। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है।
बताओ राउडी बनना मुश्किल है या पांचवी क्लास पास करना मुश्किल है? पांचवी क्लास पास करना। जल्दी सीख कर। कमाल है सर, ना खिड़की टूटा ना ब्लैक बोर्ड टूटा, ये कैसे किया मेरे को बताओ ना, मेरे को भी करना है। सिंपल है, गुंडागर्दी के स्कूल का मैं हेडमास्टर हूँ। सही कहना राजेंद्र? हाँ सर, मोटे सांडों को डंडा और ज्ञान का अंडा खिला के। ओए, 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 ओए। चलता हूँ। हाँ, नमस्ते अंकल। ये लीजिए आपका चश्मा। थैंक यू। ओहो, आज फिर तूने मेरी नाक कटवा दी। पंडित झुनझुनवाला ने कहा था इस हफ्ते तेरी शादी हो जाएगी, मुझसे 2 लाख फीस भी ले गया। अब जीते जी अपनी बहू को टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी। मॉम, कोई हीरोइन जैसी लड़की ढूंढो ना। ए, मुझसे उम्मीद मत रखना, खुद ही लड़की ढूंढना। ठीक है भैया, एक पैकेट ले लो ना भैया, 5 रुपए का भैया ले लो ना। नहीं चाहिए, ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, स्कूल भेजूंगा तो पढ़ाई करोगे? नहीं भैया, मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप एक पैकेट ले लो ना। ये ले ले। पैसा नहीं चाहिए माँ जी, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। ए, भूल गया, हमें किसी से बात नहीं करनी है। मैं नहीं, भैया बात कर रहे। सुनो भैया, मेरे भाई से बात मत करो, अगर उसने देख लिया तो इसे बहुत मारेगा। कौन मारेगा तुम लोगों को? अच्छे से भीख भी मांगना नहीं आता तेरे को? कमीना मुफ्त की रोटियां तोड़ता, तू क्या घूर रहा? खुद को बहुत बड़ा दानवीर समझता क्या? बड़ा रहम दिखा रहा है तू। चल अब कल्टी मार और इधर नजर नको आना, नहीं तो अच्छे से नट बोल्ट टाइट कर दूंगा। ए, क्या बोला तेरे को? कुछ नहीं बोला। ए, मुझसे पूछ रहा था कि स्कूल क्यों नहीं जाता, मैंने बोला मुझे नहीं जाना। ये तेरी अम्मा का यार है? ऐसा मत बोलो भाई। इतने भिखारियों को पढ़ाने के लिए कितने स्कूल लगेंगे मालूम? इनको पढ़ाने गया तो तेरी औलादे भीख मांगेगी। तेरी अम्मा ने क्या कह के पैदा किया, बड़ा चिकना है तू। मॉम, एक छोटा सा काम याद आ गया है, तुम रेडियो सुनो, मैं बस अभी आता हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अरे मेरी फिक्र कब से होने लगी? उस गब्बर मवाली के लिए। आशीर्वाद की ताली दे माँ। आज तो पक्का हॉस्पिटल को जाएगा, मैं लोगों के बंद जूते देख के उनके मुकद्दर पढ़ लेता मामू। तेरे सितारे गर्दिश में दिख रहे मेरे को, फूट ले। अरे बड़ा ठीक है तू, ह्यूमन राइट से या पुलिस का खबरी है? बड़े बड़े इधर को आते और अपनी खुजाते हुए यहाँ से निकल जाते, क्या तोड़ लेते? बड़े बड़े पुलिस वाले को हफ्ता देता तो, मैं ऐसे दीदे फाड़ के मेरे को कोई नहीं देखता जैसा। ओए चार मीनार, भाई कौन है ये? यारे मेरी फौज को देख के तेरी हवा तो निकल ही गई होगी। फौज? सिर्फ 5 ही तो लोग हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ा रे? तेरा को 5 बोल रहा है, ख्याली चश्मे उतार के देख। जब खींच के तुझे फटका मारूंगा तो झुंड में से 2 सांड लपक के तुझे बचाने आ जाएंगे। जब उन दोनों को मसल के रख दूंगा, पीछे 2 और पहलवानों को बदला लेने की खुजली जागेगी। फिर जब उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा ना, बाकियों की देख के फट जाएगी। इतने तेवर फिर? क्या रे काली, गिनती आती है कि कैलकुलेटर लाके दूं? हाँ रुक, मैं दिखाता तेरे को। तू मेरे को जान,
बार का बन रहा, एक फोन मारूंगा तो पुलिस की बारात आएगी तेरे को ले जाएगी उठा के। अबे पुलिस को यहाँ पर आए हुए 10 मिनट हो चुके हैं चार मीनार। ओह माय गॉड, पूरा नक्शा बिगाड़ दिया। नर्स जरा कॉटन देना। बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। बुलडोजर से टक्कर हो गई? नहीं डॉक्टर नहीं। तुम लोगों की आपस में लड़ाई हुई? आपस में काहे का, एक कमीना आया और ऐसी हालत बना दी। वो भी गुंडा ही होगा। पुलिस था। मतलब पुलिस से बचकर भाग के आए हो? एक पुलिस वाला आपको याद आया? कहाँ है वो? उधर को खड़े ला। तुम्हारा नया सेल्फी मस्त लगा। हेलो, रात भर अपन सो नहीं पाया। सुनिए तो देना। ओए उजड़ी खेती, कौन चुड़ैल चीख रही है? क्या रे नर्स, हो गया तेरा मरम पट्टी? ले जाओ इनको। एक्सक्यूज मी, मैं नर्स नहीं डॉक्टर हूँ। अपन भी उजड़ी खेती नहीं है, कांस्टेबल है। तुमने इन सबको मारा? अपन ने नहीं मारा, अपन के साथ ने मारा। उस सांप को बुलाओ। इधर ही रुक, अब भी बुलाता है। उनकी मरम पट्टी हो गई? यस, डॉक्टर आपको बुला रही है। क्यों, उनमें से कोई टपक गया क्या? नो सर। ठीक है, तुम बच्चों के पास जाओ। यस सर। मैंने नहीं बुलाया। पट्टी पकड़ो। हाँ डॉक्टर, मुझे बुलाया। सनग्लासेस हटाओ। तुमने इन सबको मारा? पुलिस हो तो किसी को भी मारोगे? तुम इंसान के खून की वैल्यू जानते हो? सबके ब्लड ग्रुप्स एक नहीं होते, पर सबको इज्जत के साथ जीने का हक है। खैर छोड़ो, कम से कम तुम्हें इंसान की बोन वैल्यू तो पता होगी। बोन फ्रैक्चर हो जाए तो जुड़ने में 4 महीने लग जाते हैं। पता है इन 4 महीनों में कितनी तकलीफ होती है? रूटीन वर्क्स, काम पर जाना, 24 आवर्स एक बच्चे की तरह संभालना होता है। और अगर ये सब बच्चे के साथ हो तो, जिसे कोई संभालने वाला भी ना हो? मैं समझी नहीं। 6 साल की उम्र का मासूम बच्चा, जिसकी टांग तोड़ के उससे भीख मंगवाता है ये हरामखोर। एक 9 साल की प्यारी बच्ची, एक आंख में गर्म शीशा डाल के उसे उम्र भर के लिए एक आंख से अंधा कर दिया। हर सिग्नल पर ऐसे 14-15 बच्चे मिल जाएंगे। शहर के सारे सिग्नल्स को मिलाओगी ना तो ये गैंग वाले 700-800 बच्चों को अपाहिज बना के भीख मंगवाते हैं। इनकी तो जान है, इसीलिए मारा। कुछ गलत नहीं किया और सॉरी तो बोलूंगा ही नहीं। अरे अरे अरे, दर्द हो रहा है, बर्दाश्त कर। सर, सबको फर्स्ट एड दे दिया। एक काम करो, इन सब बच्चों को। भैया, आपने स्कूल भेजने की बात की थी, हिंदी मीडियम जाओ या इंग्लिश मीडियम? भैया, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। ऑपरेशन होने पर मेरी ये आँख ठीक हो सकती है, मेरा ऑपरेशन करवा दो प्लीज भैया। राजेंद्र। यस सर। सारे बच्चों को चाइल्ड केयर होम ले जाओ। ओके सर। कल मैं तुम सबसे मिलने आऊंगा। थैंक यू भैया।